सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सारे, उम्मीद है अच्छे ही होगे। सो गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो थंबनेल देखकर पता चल ही चुका होगा कि आज हम लोग किसकी बात करेंगे। तो भैया आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फनी इंटरव्यू ऑफ बिहारीज। तो भैया बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं फनी इंटरव्यू ऑफ बिहारीज। क्या नाम है आपका? गुड्डू यादव। गुड्डू यादव। गुड्डू यादव क्या करते हैं? गुड्डू जी घूमते हैं अंकल, घूमते हैं। रुको जरा, सबर करो। दारू बेचवा रहे हैं। दारू तो बंद है, गांव गांव पीते थी हो। दारू तो बंद है बोल रहे हैं। चाचा इसमें मजाक कर रहे हैं। एक तो बिहार और दारू का इतना प्यारा संबंध है जितना एक टिकटॉकर का दूसरे टिकटॉकर से नहीं होता। सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर। हेलो, अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है बोलिए। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। नहीं भाई साहब, न्यूज रिपोर्टर को देखते इनके शरीर में एक ऐसी खलबली मचने लगती है जितना एक सिंगल लौंडा को निब्बा निब्बी देखने के बाद भी नहीं होता। एक तो साला बिहार में दारू बंद होने के बाद भी यह पता नहीं कौन सा नशा फूक कर बैठे रहते हैं। जो है ना गद्दी पर जो बैठा है वो कुछ मिलने वाला है नहीं, ये तो खाली अपने चक्कर में रहता है। लॉकडाउन साल भर से लॉकडाउन लगा दिया, सारी जनता मर रहा है एक तरफ, वो अपना पूंजी गर्म कर रहा है। सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है। है नहीं है कि नहीं है? जितना स्टूडेंट है वो बताइए कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। सबसे पहले तो कोई इस चाचा के पास जाओ और इन्हें बहुत प्यार से समझाओ कि सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो स्कूल में जाकर छोरी पटा सके। जी सर, थाने में शराब छूट जाएगी? हाँ जी, वहाँ पीने को मिलेगी नहीं। नहीं अच्छा। हाँ जी, वहाँ ऑफिसर लोग रहते हैं, ऑफिसर। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं थाने में जाए आज। अच्छा, थाने ले चले तो। जी सर, वहीं ही रहेंगे बस 10-12 दिन। थाने में क्या नशा मुक्ति केंद्र है? हाँ जी। अरे कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इन्हें देखकर यह नहीं लगता कि यह नॉर्मल डिलीवरी लिए होंगे। लाइफ में पहला इंसान देखा जो खुद बोल रहा है मुझे जेल ले चलो, वो भी दारू छोड़ने के लिए। वैसे काम तो सही कर रहा है, ले जाओ क्या पता छूटी जाए। थोड़ी पी रखी है आपने? नहीं, सही बोल रहा है। पूछ रहा हूँ क्या आपने थोड़ी ले रखी है? इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ले रखी है। हाँ, पर बिहार में तो शराब बंदी है, बिहार में शराब मिलती है? शराब बंदी, यहाँ तो घर घर बिकता है शराब। आराम से मिल जाती है? आराम से मिल जाता है, होम डिलीवरी, यू आर फास्ट। होम डिलीवरी हो रही है? हाँ, यू आर फास्ट। शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? पैसा खराब नहीं होता शराब की? क्यों होगा, बाहर से लाएंगे तो पैसा खराब नहीं होता है? क्या है, टैक्स नहीं जा रहा दूसरे के पास? कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। दारू और इंग्लिश यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साला इसको पीने के बाद वो इंसान भी इंग्लिश बोलने लगता है जिसने अपने पूरे जिंदगी में कभी इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं सुना होगा। बताइए आपने अभी शराब पिया है? मैं हमेशा पीता हूँ। लेकिन बिहार में शराब बंदी कहाँ बन रहा है? नीतीश कुमार को उसी पैसे से उनका दुकानदारी चल रहा है। तेरे को डर नहीं लगता? पुलिस आपको पकड़ भी सकती? पुलिस क्यों पकड़ेगा, अगर जो ईमानदार पुलिस होगा वो पकड़ेगा, सबसे बेईमान पुलिस है। बोल बच्चन शान पत्ति चल छोटे कम कर। एक तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कोई छोड़ने के लिए जेल जाना चाहता है और एक यह जनाब है जो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। मैं अभी बस यही सोच रहा हूँ दारू बंद होने के बाद यह हाल है, अगर चालू होता तो क्या होता। मुझे लगता है ये रोज चांद पे जाते और वहाँ पे नारंगी और पानी मिलाकर पीकर वापस चले आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो पार्टी से कहना था कि सिर्फ लेस्बियन व्यक्ति को ही यहाँ से टिकट दिया जाएगा। हाँ, लेस्बियन को टिकट दिया जाएगा। तो आप लेस्बियन है? हाँ। म्यूजिक। देखो भैया, हमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नेताजी ने तो खुद को ही रोस्ट कर दिया। देवशरण दास, विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास, हम नहीं थे यहाँ सर, बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे।
इस चचा का स्वैग मुझे सबसे अच्छा लगा। चचा ने न्यूज रिपोर्टर की बहुत प्यार से ले ली। न्यूज रिपोर्टर भी यही बोल रहा होगा, साला मुझे यह काम करना ही नहीं है, जिसे देखो वो मेरी ही लेकर चला जा रहा। काम करते हैं आपस में? हम प्रैक्टिशनर है, एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी? डॉक्टर हैं आप जी? कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, प्रैक्टिशनर हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कभी मान लीजिए मरीज बिगड़ गया, दवाई गलत हो गया था? नहीं देखिए, पांच चीज मेरे पास रहना चाहिए, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता है। क्या पांच चीज? बेटनिसोल, डेक्सोना, एट्रोपिन, एविल और फेनार्गन। अब जरा इन पांचों का वो भी बता दीजिए क्या क्या होता है। ये पांचों कटाउज है, कोई भी दवा रिएक्शन करेगा, जैसा रिएक्शन करेगा वैसा कटाउज दिया जाता है। जैसे पानी चढ़ा रहे हैं, मरीज को एक एक जाड़ हो गया, तो उसको एक घंटा के अंदर शरीर हीट करना है, तुरंत उसको एट्रोपिन लगाएंगे, शरीर हीट हो जाएगा, मरीज को कुछ नहीं बिगड़ेगा। भोसड़ी के यह तो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देगा। जो भी बिहारी इस वीडियो को देख रहा है, इसे बहुत ध्यान से देख लो, कभी गलती से इसके पास चले बच जाना, नहीं तो कभी जिंदगी में वापस नहीं आ पाओगे। स्कूल में तो अभी लॉकडाउन के कारण बंद चल रहा है, तो मैडम या सर कहाँ से आएंगे? पहले आते थे? पहले तो आते थे। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसा होता? क्या बनना चाहते हो बड़े होके? क्या पढ़ाई, आगे क्या पढ़ाई करनी है? मतलब अभी तो दसवां पास करना, फिर इंटर पास करना है, और उसके बाद पास करना है, तो सोचेंगे अभी से क्या सोचेंगे कि हम वहाँ करें यहाँ करें। अरे भाई साहब, यह तो मुन्ना भैया का बचपन है, नहीं समझ में आया? चलो अभी दिखाता हूँ। मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। और साला ऐसे कौन पूछता है कि बेटा आगे क्या करना है? भोसड़ी के न्यूज रिपोर्टर हो, न्यूज रिपोर्टरिंग करो, ज्यादा रिश्तेदार बनने की कोशिश मत करो। एक तो साला वैसे ही मराई पड़ी रहती है, ऊपर से लोग पूछते हैं आगे क्या करना है। दहेज बंद, दारू बंद। दहेज तो मैम खुलेआम कुर्सी से नीचे मिल रहा है दहेज, खाली पेपर पर है, बंद है, लेकिन बिना दहेज का शादी नहीं करता है। लेकिन सरकार तो बस रूल्स बनाएगी ना, यूथ हो दहेज लोगे, दहेज लेकर शादी करोगे या फिर? मैम हम तो फ्री में करेंगे, करिएगा आप। वालों को जिंदा पकड़ना। देख रहे हो भाई साहब, इस हरामी मानुष को जहाँ लड़की देखी नहीं वहीं पे लाइन मारना चालू। बेटा ऐसे ही रहा ना तो बहुत आगे जाओगे। क्या वोट क्या बिकता है? पैसा दीजिए तब वोट पड़ेगा, अभी जनता होगी यार, समझे न? काहे बार आता है, पाँच साल के बाद एक बार आता है, कोई भी मंत्री हो चाहे मुखिया। आपको पैसा मिलेगा तब आप वोट दीजिए। हम दे देंगे, हम दे। इसका मतलब मैं अभी तक गलत समझता था, मुझे लगता था कि लोग अपने फेवरेट पॉलिटिशियन को देते होंगे, पर यहाँ पे तो कुछ और ही सीन चल रहा है। देख लो भाई, इस बार मुझे भी देना है, अगर कोई है तो बता देना। इस बार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी इतना बढ़ गई है, पढ़ लिख करके BA MA अधिक BSc कर करके। आप कितना पढ़े? हम तो ठप्पा छाप। गजब तू भी बाज आदमी। यह भाई साहब पता नहीं कौन सा माल फूक कर न्यूज रिपोर्टर के पास चले गए। पहले तो भाई साहब पैसे से वोट देने की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद बेरोजगारी की। एक तो खुद छह तक ही पड़े हैं, ऊपर से BA MA की बात कर रहे हैं। वोट देना है या फिर नीतीश कुमार को वोट देना? केकरा पर तो सबरा पता ना हो। तू केकरा देबा? हम केकरा बताइयो, जेकरा मन करता ओकरा टिप देबो। आओ केकरा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, दाम बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के, क्या कहेंगे? भैया देखो, हमने एक बढ़िया एक महंगा प्रधानमंत्री पाला, तो देखो शेर पालने के लिए खर्चे भी महंगे हो गए, तो 150 भी हो जाएगा। बेटा ये जिनको दहेज में मिली है दिक्कत उन्हें हो रही है, जिनकी अपनी गाड़ी उनको तो है पैसा, दहेज में मिली चलाने को पैसे है नहीं सालों पे, हमने तो अपनी घर ही चलाने को आएंगे, बिट लगा रहे भैया। गाड़ फटे तो फटे पर नवा भी न जाइए। भोसड़ी के CNG पे चलाने वाले कार कैमरा के सामने बहुत ज्ञान देते हैं, पर इनको रात में नींद नहीं आती होगी 100 रुपए का पेट्रोल डलवाने के बाद। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलू कलकत्ता। तो अब बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने बिहारी फ्रेंड्स को, और उनको टैग भी करो, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। अगर आप यहां तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको मेरा थोबड़ा देखना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, या ट्विटर पे भी आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।